3 मई 2024 को थाना समकक्ष में एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें फरियादी हरेंद्र सिंह ने बताया कि वो सरकारी बैंक में काम करते हैं और बैंक का पैसा लेकर जामबोध गांव से अपने गांव तालुक तरफ जा रहे थे। वो अकेले थे, उनके पास 17,09,000 रुपये थे। रास्ते में बाइक सवार कुछ लोगों ने उनको रोका, डंडा मारा और उनका बैग लेके भाग गया। ये घटना काफी गंभीर प्रकृति की थी, इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाने की टीम तरह से भी लोग लगाए गए और लगातार इसमें काम करते रहे। इसमें कई सारे एंगल आ रहे थे जिनके काफी बारीकी से जांच किया गया। इसमें यह बात भी था कि वो कैश का पैसा वो अपने घर को लेकर जा रहे थे जबकि बैंक में जमा करना था, फिर बाद में पता चला कि नहीं बैंक में समस्या थी। तमाम एंगल इसमें आ रहे थे और नई नई चीजें खुलती जा रही थी। तमाम मेहनत के पश्चात इसमें फाइनली सोमकर पुलिस को सफलता मिली और जो एक्चुअल घटनाक्रम है वो क्लियर हुआ। इस घटना में कुल 6 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं, जिसमें जो पूरा घटनाक्रम प्लान करने वाला व्यक्ति है उसका नाम पंकज पिता बाबू सिंह है। इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर घटना प्लान की, बाकी अन्य लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये स्वयं बैंक में फॉर्म वगैरह भरने के और जो लोग वहाँ बैंक में लोन वगैरह के लिए जाते हैं, अन्य काम के लिए जाते हैं, उनके साथ ये हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं बैंक की गतिविधि से इसको आइडिया था और इसको ये पता था कि सरकारी बैंक के मैनेजर अक्सर शाम को कैश जमा नहीं होता उसको लेके अपने साथ जाते हैं। इस लिहाज से इसने अपने एक रिश्तेदार जो था राजेंद्रगढ़ के, उसके माध्यम से हाटपिया क्षेत्र के 3 और लड़कों को इन्वॉल्व किया, जिसमें नीलेश, रुकेश और दीपक करके हैं, और इनके माध्यम से इसने घटना कायम कराई। इसमें घटना में 3 लड़के मौके पर थे, इसके अलावा बाकी एक में खड़ा होकर सूचना दी, दूसरे रास्ते पर खड़ा होकर उनको गाइड किया, फिर उसके बाद सभी एकत्रित होकर इन्होंने पैसे का बंटवारा किया। अभी जो 6 आरोपी पुलिस से पकड़े गए हैं उनसे पुलिस ने 11,00,000 रुपये लगभग बरामद किए हैं, इसके साथ साथ कुछ मोबाइल वगैरह भी मिले हैं। एक आरोपी की अभी तलाश चल रही है, अभी विरोध करके और बाकी इन आरोपियों का मिलाप लेके बचे हुए रुपये भी बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम के जिन लोगों ने अच्छा काम किया, सभी को 5,000 रुपये का अनुरोध पुरस्कार से सर। इसमें कितनी टीम लगी थी और किस तरह से पुलिस आरोपियों के पास पहुंची थी? इसमें हमारे सोनकच्छ की टीम लगातार थाने के काम कर ही रही थी, इसके अलावा देवास से भी साइबर की टीम और अधिकारियों के साथ टीम लगी हुई थी। इसलिए भी मैडम ने काफी इसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट किया मौके पर, जिसमें साथ भी दोनों टीम बार गए, क्योंकि इसमें कई तरह की थ्योरी आ रही थी कि ये पैसा है या गबन किया गया है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, ये सभी एंगल को हमको वर्कआउट करने में समय लगा और फाइनली हम अभी जो इनके आरोपियों के विवरण निकाले गए थे उसमें उसका जिक्र है कि 8 लोगों के ऊपर मारपीट के मामले हैं और अपराधी को। सर आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया? बैठ गया भाई, सुनकर बैठा। अरे उनको किसे बुलाएगा? अरे अरे हमको देखे हो जाओ, उन्होंने मुझे तो